नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप निकट भविष्य में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय रेलवे के उस नए नियम के बारे में जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा। क्या है रेलवे का नया नियम? इंडियन रेलवेज ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार यात्री अब सफर के दौरान रात में अपने बर्थ पर मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला? ट्रेनों में लगातार आग लगने की घटनाओं के बाद भारतीय रेलवे सतर्क हो गया है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए कई तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत अब ट्रेनों में स्मोकिंग करने वालों और ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने वाले यात्रियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वहीं रेलवे अब ट्रेनों में मोबाइल फोन और लैपटॉप चार्जिंग को लेकर हो रही लापरवाही पर भी काफी कड़ा एक्शन लेने जा रही है। दरअसल रेलवे ने पाया है कि रात में चार्जिंग के दौरान थोड़ी सी लापरवाही की वजह से यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है और इससे संपत्ति का भी काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए अब रात के समय में ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जाएंगे ताकि मोबाइल या लैपटॉप की ओवरहीटिंग या फिर ओवर चार्जिंग की वजह से होने वाले संभावित हादसों को टाला जा सके। इसके लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट्स बंद रखने का फैसला लिया गया है। सभी जोन में लागू होगा ये नियम। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार इसे सभी जोन में लागू किया जा रहा है। ट्रेनों में लगातार आग की घटना के बाद यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद से सख्ती बढ़ा दी गई है, क्योंकि उस वक्त एक कोच में लगी आग 7 कोच में फैल गई थी। सिगरेट पीने वालों पर भी नकेल कसने की तैयारी। रेलवे धूम्रपान संबंधित नियमों को भी कड़ा कर रहा है, जिसके तहत ट्रेनों में सिगरेट पीने वालों पर भी नकेल कसा जाएगा। रेलवे का मानना है कि आग लगने की घटनाओं के पीछे एक वजह यह भी है। आपको बता दें कि ट्रेनों में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाना रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है और इसके लिए दोषी व्यक्ति को 3 साल तक के लिए जेल या फिर ₹1,000 या फिर दोनों का जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 165 के तहत ₹500 भी बतौर जुर्माना देना पड़ सकता है। बहरहाल रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद कर देने से करोड़ों की संख्या में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को तगड़ा झटका लग सकता है। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।